Anybody hear that? It's an impact tremor is what it is. Maybe it's the power trying to come back on. What the hell, what the hell, what the hell? Fences are failing all over the park. Are you hearing this? The shutdown must have turned off all our fences. I'm fairly alarmed here. Hold on to your butt. Oh no. Can't get Jurassic Park back online. Yeah, that's nice. Gotta go. Come on. We gotta get out of here. The only thing that matters now are the people we love. Which is just a delay. That's all it is. All major theme parks have delays. Yeah, but John, if the Pirates of the Caribbean breaks down, the pirates don't eat the tourists. Control. You never have control. That's the illusion. Boy, I hate being right all the time. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ, नई रिसर्च के साथ और नए टॉपिक के साथ एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन गिरामी कदर, आज हम बात करेंगे करोड़ों साल पहले जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। और इंसान को मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया कि अशरफुल मखलूकात बनाया है रब्बे ज़ुल जलाल ने, लेकिन जब इंसान अपनी हद क्रॉस करना शुरू कर जाए और उन मामलात के अंदर दखल अंदाजी शुरू कर दे जिन मामलात के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल का अमल ज़रूरी है, रब्बे ज़ुल जलाल के हुक्म, रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ैसले और रब्बे ज़ुल जलाल की कायनात की तख्लीक और उनके इतने बड़े बड़े रब्बे ज़ुल जलाल के मामलात, उनके अंदर जब इंसान अतना सा चीज़ एक जो है वो जब दखल अंदाजी शुरू कर देती है तो फिर वो चीज़ें जो है वो जन्म लेना शुरू कर देती हैं कि जिनका हमने कभी सुना भी नहीं होता। जैसे कि बीमारियां, हेपेटाइटिस, दिल की बीमारी, गुर्दों की बीमारी, फेफड़े की बीमारी और इस तरह फिर आपको जो है नई से नई, और आज देख लें जिस तरह वबा फैली हुई है कोरोना वायरस वाली। नाज़रीन किरामी कदर, ये तमाम चीज़ें रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से आती ही तब हैं जब इंसान अपनी हद क्रॉस करने लग जाए। और अल्लाह ताला ने इसलिए तो कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया कि तिलका हुदूदुल्लाह फला तअतदूहा, कि अल्लाह ताला की हदें हैं, उन हदों को क्रॉस ना किया करो। ठीक हो गया। इसी तरह आज हम बात करेंगे कि करोड़ों साल पहले जो चीज़ ख़त्म हो चुकी, इंसान ने सोचा कि क्यों ना उसको दोबारा से बनाया जाए, दोबारा से निकाला जाए, और उसके ऊपर फिर रिसर्च शुरू कर दी। जैक हॉर्नर का दावा था कि डायनासोर्स जो करोड़ों साल पहले ख़त्म हो चुके हैं, तो ये कुर्राए अर्ज़ के ऊपर हम दोबारा बना सकते हैं। अगर हम इसकी रिसर्च जारी रखें और हम इसकी रिसर्च को नए नए तरीक़ों से रंग दें तो हम एक नया इस तरह का डायनासोर ईजाद कर सकते हैं और अगले आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर इंसान अपनी आंखों से चलते फिरते डायनासोर को देखेगी। लेकिन नाज़रीन गिरामी कदर, अब करोड़ों साल पहले, कहना तो आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल, करोड़ों साल पहले एक चीज जब खत्म हो चुकी है तो उसको दोबारा से कैसे बनाया जा सकता है। नाज़रीन गिरामी कदर, इसके साथ फिर 2 कंपनियां और 2 सबसे बड़ी तंजीमें मिली जिनका मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूं, एक है फ्रीमेसन और दूसरी इल्यूमिनाटी। ये 2 तंजीमें यहूदियों की, इन्होंने जहां तक दिखाने में तो ये फलाह बहबूद का काम कर रही होती हैं, लेकिन जहां तक मुमकिन हो सका इन्होंने मदद की और उनकी जो है साथ तआवुन करते रहे और उनको उन्होंने फुल सपोर्ट की कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप इस तरह का जानवर बनाएं, क्यों नहीं होना चाहिए जानवर। और अपने अकेले दलाइल देना शुरू कर दिए कि करोड़ों साल पहले जो है एक जानवर, यानी जिस तरह वो थे वो खत्म हो गए, लेकिन अब भी कुर्राए अर्ज के ऊपर ऐसे जानवर होने चाहिए। नाज़रीन गिरामी कदर, 1980 के अंदर एक फिलोसफर था, उसके मुताबिक उन्होंने जनाब जी खोज लगाई और एक साइंसदान ने जाके जब देखा तो उसको एक मच्छर मिला। 1980 की बात बता रहा हूँ। उस मॉस्किटो के अंदर, वो मरा हुआ जमाना है कदीम का कोई मच्छर होगा, उसके अंदर उन्होंने डायनासोर्स के डीएनए को महसूस किया। उन्होंने जब टेस्ट किए तो टेस्ट के जरिए उनको पता चला कि हाँ, इसके अंदर वो चीज़ें पाई जाती हैं जो डायनासोर्स के डीएनए के अंदर मौजूद होती हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है, जारी बात है, साइंसदान है, उन्होंने अपनी तरफ से राय बनाने का, हो सकता है कि जमाना
है कदीम के अंदर उसने किसी डायनासोर को काटा हो तो उसके खून और उसका थोड़ा सा डीएनए इस मच्छर के अंदर मिला गया। लेकिन बाद में जब माहिरीन ने उसके ऊपर रिसर्च की तो उन्होंने कहा ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मॉस्किटो मच्छर के अंदर भी आपको डीएनए करोड़ों साल पहले जो कुरे अर्थ से सफाया हो चुका है इन चीजों का उसका आपको डीएनए जमाने कदीम से एक मच्छर के अंदर आपको मिल जाए, ये कैसी बातें कर दी। उन्होंने खैर इसको जो है रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा ये जो है ना इतना यानी अहम टॉपिक नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन आप अगर किसी ने जुरैसिक पार्क और जुरैसिक वर्ल्ड जैसी फिल्में देखी हैं तो आपको बखूबी इस बात से आगाह होंगे कि उसकी वो जो जुरैसिक पार्क और जुरैसिक वर्ल्ड के अंदर उन्होंने डायनासोर दिखाए गए और सारा उन्होंने वो दिखाया गया कि इस तरह की जो है वो जानवर थे और वो इंसानों को खा जाया करते थे और तबाही और बर्बादी किया करते थे। नाज़रीन गिरामी कदर वो जुरैसिक पार्क और जुरैसिक वर्ल्ड की फिल्म सीरीज का जो मेन थीम लिया गया वो जिस बुक से लिया गया वो बुक थी जुरैसिक पार्क और उस बुक के राइटर थे माइकल क्राइटन। नाज़रीन गिरामी कदर वो माइकल क्राइटन जो बुक के राइटर थे उन्होंने उस बुक के अंदर लिखा था कि किस तरह 1400 साल पहले इस कुरे अर्ज के ऊपर जानवर हुआ करते थे और उनको डायनासोर होते थे और वो किस तरह जो है वो इंसानों को मारा करते थे। लेकिन नाज़रीन गिरामी कदर दूसरी तरफ आए तो जैक हॉर्नर ने अपनी रिसर्च जारी रखी, उसने कहा नहीं मैं ऐसा जानवर ज़रूर बनाऊंगा, मुझे जो एक मरतबा किसी वो कहते हैं ना हम अपने भी मजाहिया के लिए कि कीड़े ने जब काट लिया कि मैंने काम करना ही करना है। और साइंसदानों की ये सबसे आप एक हिसाब से अगर इस्लामी तालीमात की रूह से देखें तो अच्छी चीज़ है और दूसरे अल्लाह ताला के मामलात में दखल अंदाजी के हिसाब से देखें तो सबसे गंदी चीज़ है कि वो जिस काम की खोज में लग रहे हैं वो भी लगे ही रहते हैं। नाज़रीन गिरामी कदर उसने अपनी जो रिसर्च थी उसको जारी रखा और 2000 के अंदर मॉडर्न रिसर्च करके उन्होंने अन करीब एक डीएनए को पा लिया। वो डीएनए को उन्होंने पा लिया और उस डीएनए को पाने वाला जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट था वो था मैरी ट्विजर। नाज़रीन गिरामी कदर उसने जब डीएनए को हासिल किया तो उसने बाद ने बताया कि मैंने वो जो जानवर डायनासोर के अंदर खुलियात और उसके अंदर जो ब्लड सेल्स और वो सारी चीजें पाई जाती हैं वो मैंने खुलिए सारे जो है वो मैंने दरियाफ्त कर ली हैं। माहिरीन रिसर्च ने कहा 2000 की बात बता रहा हूं, उन्होंने कहा ठीक है हमजा चेक करते हैं। उन्होंने जब सारा चेक किया उन्होंने देखा उन्होंने कहा भाई ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहा है, जाहिर बात है डायनासोर के खुलिए और उसने सारी एक्यूरेट पता नहीं उसे कहां से जो है रिसर्च कर करके और जाहिर बात है रब्बे जुल जलाल भी फिर काफिर भी हो चाहे मेहनत को जाया नहीं करता तो उसने वो रिसर्च करके उसने डायनासोर के डीएनए को तलाश कर लिया। What you're doing here, genetic power is the most awesome force the planet's ever seen. You wield it like a kid that's found his dad's gun. These are aggressive living things that have no idea what century they're in, and they'll defend themselves violently if necessary. Dinosaurs and man, two species separated by 65 million years of evolution, just been suddenly thrown back into the mix together. How can we possibly have the slightest idea what to expect? गिरामी कदर अब जारी बात है डीएनए को उसने मैरी ने तलाश कर लिया। अब वो जो डीएनए था उसको जारी बात है लाया अमर उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च करनी थी, खाली डीएनए तो उन्होंने नहीं रखना था, उन्होंने तो उसे डायनासोर बनाना था। खैर उन्होंने उस डीएनए को तलाश कर लिया और सबसे बड़ी लेबॉरटरी मैनचेस्टर साइंसदानों की सबसे बिग लेबॉरटरी अमेरिका के अंदर पाई जाती है उन्होंने जनाब जी उसके अंदर जाके उस डीएनए के ऊपर वर्कआउट शुरू कर दिया और उन्होंने वर्कआउट करते करते उन्होंने इस नतीजे पर वो पहुंचे कि ये जो शुतुरमुर्ग होता है ना इसके साथ हम जो है ना इसकी जो खुली है और इसके साथ हम उस डायनासोर के डीएनए को इस शुतुरमुर्ग के अंदर डाल के इसके अंदर खुलियों के अंदर तब्दीली करके हम उस ऑस्ट्रिच के डीएनए के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करके हम एक डायनासोर जैसी चीज को तख्लीक कर सकते हैं। उन्होंने कहा अच्छा ये तो बड़ी एक अजीब किस्म की बात होगी कि हम इस तरह की भी कोई नई चीज बना सकते हैं कि हम जो है उस शुतुरमुर्ग के हिसाब से जो है उसके अंदर खुलिए करके तो हम चेंजिंग करके तो हम डायनासोर बना दें। तो उसने आगे से कहा जाहिर बात है उसने कहा जो मुझे डीएनए मिला है ना वो डीएनए मुझे मिला ही इस ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग के अंदर से है क्योंकि मैंने जब सारी तफ्तीश की और सारा मैंने अपना जब रिसर्च किया और वर्कआउट किया तो मुझे पता चला कि वो जो ज़माना कदीम के अंदर डायनासोर जो करोड़ों साल पहले जो ख़त्म हो चुके थे वो उसका जो थोड़ा सा खुलिए और डीएनए वो इसके साथ मैच करते हैं। उन्होंने कहा अच्छा लेकिन थोड़ी देर बाद जब माहिरीन ने सारी रिसर्च की तो उन्होंने कहा नहीं शुतुरमुर्ग और ऑस्ट्रिच की जो है उसके ज़रिए जो है हम एक डायनासोर और आप अगर शुतुरमुर्ग की हालत को देखें तो वो और कहाँ पर डायनासोर की हालत को देखें तो वो थोड़ा सा मिलाप नहीं खाती है और कहते कि नहीं इस तरह तो उन्होंने इस चीज को भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जो जैक हॉर्नर था ना उसने फिर रिसर्च जारी रखी, उसने कहा कोई ना कोई तरीका तो मैं करूंगा जरूर जिसके जरिए मैं पता लगाऊं कि डायनासोर को आखिर बनाना तो जरूर है। फिर उसने एंड के ऊपर जो सबसे जबरदस्त
और जो लॉजिकल उसने बात बताई, उसने कहा ये कि चिकना सॉर्स हम बना सकते हैं, यानी एक मुर्गी को लेके उसके एम्ब्रियो के अंदर कोई इस तरह की चेंजिंग करें कि उस चेंजिंग के जरिए डायनासोर बन जाए। उन्होंने जब माहिरीन ने इसके ऊपर रिसर्च की, उन्होंने कहा चले ठीक है जैक हॉर्नर की बात को थोड़ा सा अहमियत देते हैं, लेकिन उन्होंने जब रिसर्च की तो उनको पता चला कि हाँ चिकना सॉर्स जो मुर्गी है उसके अगर परों के जरिए हम डायनासोर के हाथ लगा दें और जो उसकी दुम्ब और जो पीछे जो उसकी छोटी सी होती है दुम्ब वगैरह उसको अगर हम चेंज करके तो उसकी जगह अगर हम एम्ब्रियो के जरिए लंबी टेल लगा दें तो डायनासोर बन सकते हैं। लेकिन फिर डायनासोर का उसको नाम नहीं देंगे, उसको चिकना सॉर्स का नाम देंगे क्योंकि वो चिकन के जरिए उन्होंने किया है। अब उन्होंने जनाब जी इसके ऊपर वर्कआउट शुरू कर दिया और उन्होंने इसको ट्विपर कैटेगरी के अंदर रखा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रेप्टाइल्स को रखा जाता है, उसके अंदर छिपकली को रखा जाता है, उसके अंदर जो है इस तरह डायनासोर को रखा जाता था, तो उन्होंने इसके अंदर इस कैटेगरी के अंदर उस चिकना सॉर के ऊपर जो रिसर्च करना शुरू कर दी उन्होंने उसको इस कैटेगरी के अंदर रखा। खैर उसके ऊपर रिसर्च होती रही, काफी देर रिसर्च होने के बाद 2015 के अंदर उन्होंने एम्ब्रियो ऑफ रेप्टाइल्स को चिकना सॉर्स के अंदर ऐड करके तो उन्होंने उसके माउथ जो होता है मुर्गी का जो मुंह होता है उसके अंदर उन्होंने उसकी जो चूंच है आगे से उसके अंदर उन्होंने तब्दीली वगैरह करके दांत उगा दिए और उन्होंने कहा कि हाँ हमने जो मुंह उसका बनाना था और जो दांत उगाने थे तो हमने जो डायनासोर को एक तश्कील देनी थी तो ये उसके साथ मुशाबहत होना शुरू हो गई है। लेकिन नाज़रीन गिरामी कदर रिसर्च के अंदर उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि दांत उस तरह नहीं उगे जिस तरह डायनासोर के दांत होते थे और जिस तरह वो चीर फाड़ करता था और अपने शिकार पर हमला करता था, ये दांत उस तरह नहीं उगे। लेकिन उन्होंने खैर फिर रिसर्च करना शुरू किया और रिसर्च करते करते उन्होंने उस तरह के दांत भी उगा लिए और उन्होंने ऐसी चिकना सॉर को पैदा कर दिया जो डायनासोर के साथ बिल्कुल मुमासलत और मुशाबहत रखती थी। लेकिन नाज़रीन गिरामी कदर अब उसके साथ मुशाबहत और मुमासलत रखने वाले चिकना सॉर उन्होंने जो एक डायनासोर की मानिंद बनाया, लेकिन उसकी वो दुम जो वो जो टेल है वो तो लंबी नहीं थी, वो तो उसी तरह थी जिस तरह मुर्गी की होती है। उन्होंने कहा ठीक है हम इसके ऊपर भी रिसर्च करेंगे और 2016 से लेके अब तक 2020 तक रिसर्च जारी है और बस उनका ये कहना है माहिरीन साइंसदानों का कि अब अनकरीब इंशाल्लाह हम एक ऐसी, इंशाल्लाह तो मैं कह रहा हूँ लेकिन उन्होंने कहा कि अनकरीब जो है हम ऐसी चीज़ निकाल देंगे जिसके ज़रिए हम उसके खलिए के अंदर तब्दीली करके उसकी टेल को लंबा कर सकें। जो ही उसकी टेल लंबी होगी तो डायनासोर बन जाएगा और वो फिर डायनासोर आप आने वाले 15 या 10 सालों के अंदर डायनासोर को अपनी आंखों से चलते फिरते देखेंगे। जो डायनासोर नहीं होगा एक चिकना सॉर होगा। तो नाज़रीन गिरामी कदर इन सारी रिसर्च के बाद मैं बात तो यही कहना चाहूँगा आखिर के ऊपर कि जब भी हम अल्लाह ताला के मामलात के अंदर दखल अंदाजी करें तो फिर अल्लाह ताला हमें माफ़ करे और अल्लाह ताला जो इंसान की दखल अंदाजी करते हैं अल्लाह ताला इनको इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाए। क्योंकि हमारा तो मानना यही है कि अल्लाह पाक के मामलात के अंदर दखल अंदाजी, हम इंसानों को बेशक हम अशरफुल मखलूकात हैं लेकिन हमें यह जेब नहीं देता। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द सफाई रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मेरी वीडियो ये रही, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।